वेलकम फ्रेंड्स, आप भी मेरा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए दीपावली का एक आसान सा बैनर डिजाइन। उसके लिए मैटर मैंने पहले से टाइप कर रखा है। मैटर कोई खास नहीं है, बस हैप्पी दीपावली है। और जो ये दिया है, इसको मैंने पिछले साल कम्प्लीट डिजाइन किया था। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए एक आसान सा बैनर डिजाइन। तो टूल्स में जाएंगे, टूल से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद टूल्स में ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ से मैं डिस्टॉर्ट, और सिंपली इस सेंटर से मैं ट्रैक कर रहा हूँ राइट साइड में। तो कंट्रोल की प्रेस भी कर सकते हैं, तो कंट्रोल की प्रेस करेंगे और राइट साइड में ड्रैग कर रहे हैं। लगभग मैं इतना ड्रैग लेता हूँ। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से इसकी संख्या मैं कम कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3। एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी बार में ही यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है स्मूथ डिस्टोरेशन का। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरीके से इफेक्ट नजर आएगा। यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं और इसको अंदर की साइड यानी लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये इफेक्ट और कम होगा इस तरीके से। तो मैं लगभग इतना कर देता हूँ। उसके बाद जस्ट इसी का एक डुप्लीकेट और करेंगे, एक नहीं बल्कि 2 डुप्लीकेट मैं इसका कर लेता हूँ। और इसमें फिल कर देता हूँ मैं डार्क रेड कलर। तो पहले रेड कलर फिल करेंगे, उसके बाद कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे, इसको ग्रेडियंट बना लेते हैं। प्रॉपर्टी बार में फंक्शन फिल, उसके बाद यहाँ पर इससे भी डार्क कलर फिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें मिक्स कर देता हूँ 60% ब्लैक। एंटर प्रेस करेंगे और प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है रिपीट एंड मिरर का, और इस पॉइंट्स को मैं सेंटर में लाता हूं यहां पर। उसके बाद ये जो आउटलाइन है, सेकंड आउटलाइन, इसमें मैं कलर फिल कर देता हूं वाइट, और इसके लाइन के विड्थ को और मैं बढ़ा देता हूं। लगभग यहां पर मैं कर दे रहा हूं 4 पॉइंट कर दे रहा हूं। और जो ये दूसरा वाला डिजाइन है, इसमें भी मैं ग्रेडियंट कलर फिल कर देता हूं। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें छोड़ देते हैं, कलर कॉपी हो जाता है। उसके बाद इसको मैं एलिप्टिकल कर लेता हूं। तो कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और प्रॉपर्टी बार में यहां से मैं एलिप्टिकल कर ले रहा हूं, और इसको बिल्कुल इसके सेंटर में रखेंगे। और ये जो डार्क कलर है, इसको मैं बाहर कर लेता हूं, यानी मिरर कर देंगे मैं यहां से। अब ये डार्क कलर बाहर हो जाता है और लाइट कलर अंदर हो जा रहा है। इसके लाइन के विड्थ को भी मैं कर देता हूँ यहाँ से 4 पॉइंट, और कंट्रोल शिफ्ट क्यू के साथ कर्व करेंगे। उसके बाद इसी का जस्ट एक डुप्लीकेट कर लेते हैं, और इसमें मैं फिल कर देता हूँ इससे लाइट कलर। मैं इस कलर को फिल करता हूँ और फिर कंट्रोल के साथ पेस डाउन करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करेंगे फिर पेस डाउन, और कलर इसका डार्क कर देते हैं, इसी ग्रेडियंट कलर को इसमें फिल कर देते हैं, तो ज़्यादा अच्छे नज़र आएगा। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉ करके इसमें छोड़ देते हैं, कलर कॉपी हो जाता है। और फिर थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे, कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और अंदर के साइड इसको ला दें। तो कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट देखने को मिल जाता है। और इस डिज़ाइन को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसकी साइज थोड़ी सी चाहें तो और बढ़ा लें। अब दिया को मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इस दिया को मैंने पिछले साल डिजाइन किया था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इसको शिफ्ट के साथ पेजअप करेंगे और यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ। इसकी साइज थोड़ी सी और बढ़ा लेंगे, इसी का जस्ट 2 और डुप्लीकेट करेंगे। इसकी साइज छोटी रहेगी, लगभग इतना, और यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। ये बड़े वाले दिया को मैं शिफ्ट के साथ पेजअप कर रहा हूँ, और छोटे वाले दिया को थोड़ा सा और ऊपर की साइड कर लेंगे, लगभग यहाँ से मैच करता हुआ। उसके बाद जस्ट इसी का डुप्लीकेट लेफ्ट साइड में भी कर देते हैं और कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे। अब यहाँ पर टाइप करेंगे हैप्पी दिवाली। तो यहाँ पर मैंने हैप्पी दिवाली टाइप करके रखा है। दिवाली का फॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ। अगर आपके पास स्टाइलिश फॉन्ट है तो स्टाइलिश फॉन्ट का यूज़ करें। फिलहाल इस फॉन्ट को ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका नेम जो है एडन, इसकी साइज मैं बढ़ा देता हूँ और हैप्पी की साइज और छोटी करेंगे और यहाँ पर सेट कर देते हैं इसको। उसके बाद इन दोनों को मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। कलर इसका कर देंगे वाइट, और हैप्पी का कलर चाहे तो आप येलो कर दें, लाइट येलो कर रहे हैं थोड़ा सा। अब इसमें ड्रॉप शैडो या फिर ब्लैक शैडो यूज़ कर लेंगे तो थोड़ा सा टेक्स्ट और उभर कर दिखेगा। तो इसमें मैं ड्रॉप शैडो यूज़ कर लेता हूँ। टूल्स में जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप शैडो, और सिंपली बॉटम साइड में ड्रैग करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से इसके फैदरिंग को मैं कर देता हूँ 6 पॉइंट,
और ओपासिटी 50 या फिर 60 कर लेते हैं। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इसको मैं कंट्रोल क्यू से कर्व कर देता हूँ और फिर सेव टूल सेट करेंगे, इस नोड को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे, नोड डिलीट हो जाता है। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, इसके सेंटर पॉइंट को मैं बिल्कुल राइट साइड में लगा देता हूँ यहाँ पर। उससे पहले इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं रेड कलर। आउटलाइन नन करेंगे, टूल्स में जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल सेट करेंगे और लेफ्ट साइड से मैं ट्रांसपेरेंट इसको कर देता हूँ। अब इसको हम रोटेट करेंगे, तो माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे, राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे, डुप्लीकेट हो जाता है। फिर कंट्रोल आर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। रिपीट करने के बाद यहाँ पर इसको हम सेट करेंगे, साइज थोड़ी सी और छोटी करेंगे। अब मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल इंसर्ट कर लेते हैं। रेक्टेंगल में कंट्रोल की प्रेस करते हुए इंसर्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें वर्गाकार में रेक्टेंगल चाहिए। उसके बाद इसमें मैं फिल कर लेता हूँ ब्लू कलर। कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे, इसको ग्रेडियंट बना लेते हैं। प्रॉपर्टी बार में आपको मिल जाता है फंक्शन फिल, उसके बाद एलिप्टिकल। अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सैन कलर और इस पॉइंट्स को मैं राइट साइड में ले जाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट देखने को मिल जाता है। उसके बाद शिफ्ट के साथ प्रेस डाउन में इसको कर देता हूँ और इस डिज़ाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इस बैकग्राउंड में भी लगा देते हैं। तो कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। उसके बाद इसकी साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ और इसी सेम कलर को हम इसमें फिल कर देंगे। तो इसको मैं पेस्ट से बाहर कर लेता हूँ। उसके बाद इसको सेलेक्ट करें, ड्रैग एंड ड्रॉ करके इसमें छोड़ देंगे, कलर कॉपी हो जाता है। अब मैं इसको इसी में पावर क्लिप कर देता हूँ। तो इस पर राइट क्लिक करें, पावर क्लिप इनसाइड। तो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए दीपावली का एक आसान सा बैनर डिज़ाइन कर लिया है। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।